हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मटन करी। ये मटन करी बनाने के लिए कढ़ाई में तेल लेना है, 5 टीस्पून कोकोनट तेल डालना है। आप लोग कौन सा भी तेल यूज कर सकते हो। और मुट्ठी भर कड़ी पत्ता डालना है। मटन करी में कड़ी पत्ता का फ्लेवर बहुत अच्छा देता है। और लाइट फ्राई करना है। फ्राई हो चुका, अभी ऑनियन डालना है। हम तो मीडियम साइज का 5 कांदा लिया, स्मॉल पीसेस करके कट करना है। और फ्राई करते टाइम चाहिए तो थोड़ा सॉल्ट डाल सकते हो। बराबर मिक्स करना है और मसाला रेडी करने के रखना है। धनिया, जीरा, कैश्यू नट, गार्लिक, नारियल, तेजपत्ता, लवंग, दालचीनी, इलायची सब रेडी करके रखना है। अभी 1 kg मटन लिया हमने, अच्छी तरह से धोना है। और 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करना है। 1 kg को 5 टीस्पून कश्मीरी चिल्ली पाउडर लेना है। अभी 2 टीस्पून डालना है, 3 टीस्पून बैलेंस में रखना है। और 2 टीस्पून दही डालना है और 1 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड करना है। और 2 टीस्पून सॉल्ट डालना है। आप लोग स्वाद अनुसार कितना भी डाल सकते हो। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करना है। बराबर मिक्स करना है। एवरी पीस में अच्छी तरह से टच होना चाहिए मसाला। ओके। और 1/2 टीस्पून गरम मसाला भी ऐड करना है। अच्छी तरह से मिक्स करना है और ढक्कन लगा के 15 मिनट मैरिनेट के लिए रखना है। कढ़ाई लेना है, मसाला फ्राई करना है। मसाला फ्राई करते टाइम बिना तेल का करना है। मसाला नहीं सो के ग्राइंड करने को इजी हो जाता है। ओके। मसाला फ्राई हो चुका है, स्मेल ही अच्छा आ रहा है। अभी अच्छी तरह से फ्राई करके उसको प्लेट में ट्रांसफर करेंगे। और वही कढ़ाई पे तेल डालना है। तेल गर्म हो गया, अभी क्रश किया वाला गार्लिक को फ्राई करना है और कैश्यू नट को भी फ्राई करना है। गैस को स्लो रखना है। लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अभी इसको प्लेट में ट्रांसफर करेंगे। ओके। अभी वही कढ़ाई में कोकोनट भी डाल के लाइट ब्राउन तक फ्राई करना है। एक कोकोनट और कैशनट का टेस्ट है ना मटन में, बहुत अच्छा आता है। आप लोग एक जरूरी एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा। पूरा प्लेट में ट्रांसफर करके थोड़ा ठंडा करने के लिए रखेंगे। और ओनियन देखिए कितना मस्त दिखता है, अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। देखिए इसका, देखिए कितना अच्छा दिखता है। अभी मसाला पाउडर बन गया, वही मिक्सी में जार में अभी कैश्यू नट और नारियल को भी ग्राइंड करने के। ये मसाला जो है ना मटन का, अच्छी तरह से नहीं सोना चाहिए, तभी फ्लेवर अच्छा आता है, टेस्ट भी अच्छा आता है मटन का।
मटन करी का मसाला नहीं सोना जरूरी है। अभी फ्राई किया वाला 50% कांदा को इसमें मिक्सी में डाल देंगे ग्राइंड करने को, और 50% को मटन को बॉईल करने के लिए रखेंगे। ओके, अभी 3 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर बैलेंस रखा था, अभी मिक्सी में ऐड करेंगे। आधा ग्लास पानी डालेंगे, अभी 3 टोमेटो लिया हमने, अच्छी तरह से तेल में फ्राई हो चुका, ठंडा करने के लिए प्लेट में ट्रांसफर करेंगे। अभी 50% कांदा बचा था उसको कुकर में ट्रांसफर करेंगे, पूरा तेल भी डालना है। अभी मैरिनेट करके रखा वाला मटन को कुकर में डाल देंगे, वो कांदा के साथ तेल भी है, अच्छी तरह से फ्राई होना है। ये कम से कम 5 मिनट फ्राई होना है। फ्राई होने होते टाइम उसका देखिए तेल छूटने लगता है, देखिए तेल छूटने लगा, मटन भी लाइटली फ्राई हो गया। अभी ग्राइंड करके रखा वाला आधा मसाला को डालना है कुकर में, टमाटर को भी ग्राइंड करना है। ओके, आधा ग्लास पीसे पानी डालना है, देखिए वो मस्त कलर, देखिए मटन का कलर, मसाला का मटन मसाला का कलर देखिए बहुत अच्छा दिखता है, इसका टेस्ट भी इतना ही अच्छा है। आप लोग एक बार जरूर ट्राई करके देख लीजिएगा, ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगा। बराबर मिक्स इट अप वेल, एक ग्लास पानी डालना है, बराबर मिक्स करना है। अभी कुकर में 5 सीटी लगाना है। ओके, गैस फास्ट रखना है, देखिए 5 सीटी हो चुका, मटन भी बॉईल हो गया, तेल भी अच्छी तरह से छूट गया, क्या मस्त कलर दिखता है। और मटन देखिए एक पीसेस है ना, इतना अच्छी तरह से पीस अलग अलग कर सकता है, एकदम अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है देखिए, और मसाला भी बराबर पीसेस में टच हो गया देखिए। अभी बैलेंस्ड मसाला को भी ऐड करना है, बराबर मिक्स करके बॉईल करना है। ये करी जो है इडली खाने को, डोसा इडली चपाती राइस कौन सा भी रेसिपी, ये रेसिपी यूज कर सकता है, देखिए क्या कितना मस्त डिलीशियस और टेस्टी, एकदम अच्छा रेसिपी है। आप लोग एक बार जरूर ट्राई करके देख लीजिएगा और मुझे कमेंट्स कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।